अस्सलाम वालेकुम, स्टाइल ब्लेंडर में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। और आज की इस वीडियो में ये मैं क्यूट सा टॉप आपको बनाना सिखाऊंगी, और इसके साथ जो मैंने ट्राउज़र बनाया है उसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वो चेक कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसे फ़्रॉक स्टाइल में भी सिर्फ सी सकते हैं। मैंने इसके लिए जो कपड़ा यूज़ किया है वो मेरे पास ये बचा हुआ लाइट कॉटन फैब्रिक था, और वो मैं यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी कपड़ा अवेलेबल है आप उसमें बना सकते हैं। साइज़ जो होगा वो तकरीबन 1.5 साल से 2.5 साल तक की बच्ची आराम से इसे पहन सकती है, 1 साल की बच्ची भी पहन सकती है। सबसे पहले मेरे पास जो सबसे बड़ा चौड़ा पीस था उसको मैंने इस्तरी करके इस तरह से बिठा लिया है, और ये 4 तहों में इसे फोल्ड कर लिया है। उसके बाद अब हम इसके ऊपर मार्किंग करेंगे, और मार्किंग बहुत ही सिंपल है। मैं आपको ये बार बार मेजरमेंट्स बता चुकी हूँ। तो जो शोल्डर्स हैं, कंधे हमारे पास वो 4.5 इंचेस हैं। उसके बाद जो आर्म होल की जो लंबाई है वो भी 4.5 इंचेस होगी, ठीक है। 5 इंचेस के ऊपर आप चाहें तो निशान लगा के और 1/2 इंच शोल्डर स्लोप का कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चेस्ट जो है वो मैंने लिए 6.5 इंचेस, और नीचे जितना मेरे पास कपड़ा था उसको मैंने लेके ए लाइन में इस तरह से मार्क्स लगा ली हैं, और लाइन एक स्ट्रेट लाइन खींच ली है। और उसके बाद जो है आप गले की जो चौड़ाई है वो 1.5 इंचेस रखें, पीछे के गले की जो गहराई होगी वो 1 इंच होगी, और आगे के गले की गहराई 2 इंचेस होगी। मैं आर्म होल आपको बता रही हूँ किस तरह से बनाते हैं। जो मैंने आर्म होल लिया है उसकी जो मैंने 5 इंचेस लिया है, और उसके जो 1/2 है वो 2.5 इंच बनता है, वहाँ पे निशान लगाया। और उसके बाद जहाँ से हमारा एल जैसा शेप जहाँ से बन रहा था वहाँ पर मैंने इसको 1 इंच ऊपर की तरफ बढ़ा के लिया, और इस तरह से गोलाई बना दी। उसके बाद जो हम कटिंग कर लेंगे सारी जो हमारी मार्किंग्स हैं, लेकिन मैंने जहाँ पे चेस्ट वगैरह का निशान लगाया था उससे 1/2 इंच बढ़ा के मैंने कटिंग की है। उसकी सिंपल सी वजह ये है कि वो हमारा सिलाई का जो मार्जिन होता है वो रखते हैं। नीचे से कपड़ा स्ट्रेट करके उसको थोड़ी सी गोलाई में कर रही हूँ। आप ये तब करिएगा अगर आपका कपड़ा बड़ा है और आपने उसके अंदर कोई बॉर्डर नहीं लगाना। मुझे बाद में जब मैंने उसकी मेजरमेंट की तो मुझे लगा कि मेरी जो लेंथ है वो काफ़ी कम आ रही है, तो मुझे बॉर्डर लगाना पड़ा, तो कपड़ा ज़ाया होगा इससे। अगर जब कम कपड़ा हो तो वैसे भी कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकें, ठीक है। बैक के ऊपर मैं 3 इंच का इस तरह से निशान लगा के इसको कट कर लूँगी। यहाँ पे हम अपनी बटन पट्टी लगा सकते हैं, या फिर आप हुक एंड आई लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। मैं हुक एंड आई लगाऊंगी, वो ज़्यादा आसान होता है और रिलायबल होता है। टिच बटन आप जब लगाते हैं तो वो आसानी से खुल जाते हैं, लूज़ हो जाते हैं, तो कोशिश करें कि छोटे बच्चों में आप हुक एंड आई या ज़िपर यूज़ किया करें। अब हम ऊपर वाला हिस्सा कटिंग करेंगे। अम्ब्रेला कट में कटिंग कर रही हूँ, ये भी लाइट कॉटन है, लेकिन आपको मैं सजेस्ट ये करूँगी कि अगर आप इस टाइप का कोई डिज़ाइन बना रहे हैं तो वो जो कपड़े के अंदर फ्लेयर हो तो बहुत अच्छी बात है। मैंने जो टोटल लेंथ ली है ऊपर वाले हिस्से की वो ली है 19 इंच ली है, और उसके बाद बिल्कुल सेम जैसे मैंने कमीज़ के ऊपर मार्किंग की थी बिल्कुल वैसे ही कर लिए। कमर की तरफ थोड़ी सी फ़िटिंग चाहिए, तो ऊपर से मैंने 8 इंचेस के ऊपर निशान लगाया, और कमर की फ़िटिंग जो मैं कर रही हूँ वो 6.5 इंचेस के ऊपर कर रही हूँ। अब आप ये देख लें, इस तरह से कुछ हमारी शेप आएगी, और इस तरह से फ़िटिंग बहुत अच्छी आएगी। अगर आप फ़िटिंग नहीं देना चाहें तो और बिल्कुल स्ट्रेट रख के पीछे आप इलास्टिक भी सीएंगे तो ये फ़िटिंग बन जाएगी, इसमें कोई इतना इशू वाली बात नहीं है। इसके बाद आप लाइंस जो हैं वो अपनी स्ट्रेट कर लें। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारा कपड़ा लेना पड़े, क्योंकि छोटे बच्चों का तो कम भी फ्लेयर हो तो चल जाता है। इसके बाद हम कटिंग कर लेंगे, और उसके बाद फिर मैं आपको स्टिचिंग बताती हूँ कि किस तरह से करनी है। अब इसके बाद ये मेरा फ्रंट वाला हिस्सा है, आप ये देख रहे हैं कि इसके ऊपर बीच का निशान बना हुआ है ऑलरेडी, लेकिन हमें जो डिज़ाइनिंग करनी है वो साइड में करनी है। तो शोल्डर का जो हाफ होगा उसको मैंने इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर इस्तरी से अच्छी तरह बिठा लेंगे, क्योंकि ये सफ़ेद रंग का कपड़ा है, मैं इस पर नहीं चाह रही कि कोई लाइनिंग शाइनिंग बने, तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर इस तरह से रख के इस्तरी से निशान लगा लिया है। अब इसके बाद आप ये देख लें, मैं दोनों तरफ बीच के निशान से 3 इंचेस के ऊपर निशान लगा रही हूँ।
आप चाहें तो अगर आप थोड़ा सा कम गैप खोलना चाहें तो आप 2.5 इंच के ऊपर भी निशान लगा सकते हैं या 2 इंच के ऊपर, या आपके अपनी मर्ज़ी के ऊपर है। अब मैं आपको सिर्फ एक आइडिया देने के लिए कि किस तरह से मैं मोड़ूंगी इसे, किस तरह से कर्व कर रही हूँ, मैं आपको इसकी मेजरमेंट्स बता दूँ कि आप अगर आप निशान लगा के करना चाहें तो 3-3 इंच के फासले पे इस तरह से निशान लगा लें। जैसे नीचे मैंने 1.5 इंच दोनों तरफ लगाया, फिर उसके ऊपर 1 इंच लगाया और 8 इंच का ऊपर से मार्क मैंने नीचे की तरफ लगाया कि यहाँ तक मुझे खोलना है। आप चाहें तो 10 इंच के ऊपर निशान लगा लें, वहाँ तक खोलें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने शोल्डर से नीचे की तरफ 8 इंच पर निशान लगाया। इस बात का बस ध्यान रखिएगा कि नीचे से मैंने ऊपर की तरफ निशान नहीं लगाया, और इस तरह से मैंने इसको कर्व करके सारे जो डॉट्स मैंने लगाए थे, सारे निशान लगाए थे, उनको मिला के इस तरह से कर्व बना लिया। अब मैं इसे कटिंग कर लूँगी, और अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप जो कर्व रूलर होता है, जो कर्विंग वाला स्केल होता है, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब आप देख लें, मैं दूसरी तरफ से कपड़े को बराबर करूँगी, इसीलिए मैंने थोड़ा सा 1-1.5 इंच के करीब ज़्यादा भी लिया था कपड़ा, कि अगर मुझे एक्स्ट्रा कटिंग करना पड़े और तो मैं आराम से उसे कटिंग कर सकूँ। और आखिर में आप लेंथ की फ़िटिंग आराम से कर सकते हैं जब आप जो है वो रेडी कर लें ऑलमोस्ट, तो नीचे से आप भले से 1-1.5 इंच अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तब आप कम कर सकते हैं। और ये इस तरह साइड में हमारी डिज़ाइनिंग आएगी। जब ये सिलेगा तो इसको जाहिर सी बात है और आपको पता चलता जाएगा कि किस तरह से ये सिलेगा। बस मैं आपको रख के दिखा देती हूँ कि अगर नीचे प्रिंटेड कपड़ा हम लगाएंगे तो किस तरह से ये आएगा, और आप इससे अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि आपने अंदर जो इनर लगा रहे हैं उसकी लेंथ कितनी रखनी है। तो मुझे लग रहा है कि लेंथ कम है तो मैं इसके नीचे बॉर्डर लगाऊंगी। मेरे पास जो ऑरेंज कलर का मैंने शलवार में कपड़ा यूज़ किया था अपने सूट के, तो उसमें से बचा हुआ है तो उसका मैं बॉर्डर यूज़ कर लूँगी। अब ये देख लें, मैंने बैक का हिस्सा इस तरह से स्टिच कर लिया है, बीच में मैंने कट्स भी लगा लिए हैं, और बटन या हुक एंड आई लगाना था वो वाला हिस्सा भी मैंने स्टिच कर लिया है। अब कपड़े को सीधा करके उसे बिठा लेंगे और उसके बाद हम इनविजिबल सिलाई लगाएंगे शोल्डर की तरफ। उसको उसकी भी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ किस तरह से लगानी है, लेकिन उससे पहले मैं ये बॉर्डर स्टिच कर लूँगी ताकि ये जो हम कमीज़ की फ़िटिंग से पहले ये सारी चीज़ हमारी रेडी हो और मुझे पता चल जाए कि मुझे कितना। देख लें, आप मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल परफेक्ट लेंथ है। आप कम रखना चाहें, ज़्यादा रखना चाहें, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, आप ये देख लें कि मैंने बॉर्डर लगा कर उसको मैंने इस तरह से इस पर हल्की सी एक बारीक सी बेल भी इस्तेमाल की है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप बेल इस्तेमाल करना चाहें, पाइपिंग इस्तेमाल करना चाहें, कुछ भी इस्तेमाल करना चाहें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आप इनविजिबल जो है शोल्डर सीना चाहें तो टॉप स्टिच पहले नहीं लगाएगा। टॉप स्टिच लगाने से पहले आपने जो है वो इस तरह से खोल लेना है एक हिस्सा, और इस तरह एक दूसरे के ऊपर रख के और इसके ऊपर हम सीधी सिलाई लगा देंगे और इसके बाद हम टॉप स्टिच लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से जब आप सीएंगी तो जो सिलाई है वो सारी कपड़े के अंदर की तरफ हो जाएगी और बाहर की तरफ नज़र बिल्कुल नहीं आएगी। इस तरह से जो सिलाई होती है वो नीट होती है। आप ये देख लें कि सिलाई नज़र नहीं आ रही, ना आगे से ना पीछे से। ठीक है, जब आप सारी सिलाइयाँ लगा लें शोल्डर्स जॉइन करने, तो इसके बाद हम जो है वो साइड की फ़िटिंग जो है वो मैं मुकम्मल कर लूँगी और स्लीव्स जो है वो मैं आखिर में लगाऊंगी। ठीक है, तो इस तरह से जो भी आपके फ़िटिंग का मार्क है उसको अच्छी तरह से बिठा के उसको स्टिच कर लीजिए, और जो एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है फालतू का वो कटिंग करके हम निकाल लेंगे। और मैं आपको सीधा करके दिखा देती हूँ, ये इस तरह से कुछ फ़िलहाल तैयार हुआ है। और अब हमें जो है इसकी स्लीव्स भी रेडी करनी है, उसके साथ साथ हमें जो फिनिशिंग है हमारी हेमिंग की वो भी कंप्लीट करनी है। सो मैं आपको दिखा देती हूँ मैं बेल किस तरह से लगाऊंगी। ये मेरे पास बहुत बारीक सी बेल है और अच्छी लग रही है, इसके साथ थोड़ी क्लासिक लुक दे रही है, तो वो मैं इसको के चारों तरफ सी के इसका दामन मुकम्मल कर लूँगी। अच्छा, स्लीव्स जो है वो मैंने इस तरह से कट की है, और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा, जाहिर सी बात है कलर, बच्चों के कपड़े हों और उनमें कलर्स ना हों तो वो अच्छे नहीं लगते, तो जो मेरे पास बचा हुआ पीस था वो मैंने ले लिया है।
और इस तरह से इसकी ये तकरीबन 1.5 इंच का होगा मेरे पास। इस तरह से मैंने जो इसके ऊपर नीचे कटिंग करके और साइड से कटिंग करके कपड़े को सीधा कर लिया है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा कपड़ा नहीं था मेरे पास, अगर आप चाहें बड़ा लगाना तो वो भी लगा सकती हैं। स्लीव जो हमने पहले कटिंग की है उसको बीच में से इस तरह से खोल लेंगे और उसके बाद जो मेरी पट्टियाँ मैंने काटी हैं उनको मैं भी खोल के अलग कर लूँगी और उसके साथ अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं सीऊँगी कैसे। इस तरह से इसको बीच में रख के सीऊँगी और इसके ऊपर जो मेरे पास ये बारीक वाली लेस है ना, ये वाली यूज़ करूँगी। और इसके ऊपर ये जो मैंने बॉर्डर कमीज़ के ऊपर इस्तेमाल किया था उसमें से जो कपड़ा बचा है वही वाले कपड़े का बॉर्डर मैं स्लीव्स पे भी इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं शर्ट के ऊपर किस तरह से बेल लगा रही हूँ। ये देखें, मैं थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ के लगा रही हूँ। बेल जो है वो मैं अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी, तो जितनी भी रॉ एजेस हैं जो हमारी अनइवन कह लें हमारी हेमिंग है वो सब अंदर की तरफ जब मैं पलटूँगी तो वो चली जाएंगी। आप चाहें तो जो दूसरी वाली बॉर्डर वाली बेलें मिलती हैं वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं, पाइपिंग इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकती हैं, ठीक है। बस मेरा दिखाने का मकसद ये था कि मैं आप इसकी सिलाई दिखा दूं कि मैं किस तरह से सिलाई कर रही हूँ। इस तरह से मैं चारों तरफ सिलाई कर लूँगी और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जब मैं इसको अंदर की तरफ पलटूँगी तो ये किस तरह से लगेगी। अब आप ये देख लें सारी सिलाई लग चुकी है, थोड़ा थोड़ा कपड़ा मैंने छोड़ के लगाई है। अब मैं इसको अंदर की तरफ देखें फोल्ड कर रही हूँ तो जितनी भी रॉ एजेस हैं वो अंदर की तरफ चली गई हैं और अब मैं इसकी सिलाई मुकम्मल करती हूँ। एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने, जहाँ जहाँ पे गोलाई आ रही है वहाँ पे आपने करना है ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये तो कटिंग कर लेना है, इससे बहुत नीटनेस आएगी। और इस तरह से छोटे छोटे आपने टक्स लगा लेने हैं, छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं और इस तरह से जब आप सीती जाएंगी तो बेल खुद ब खुद जो है वो बैठती जाएगी और आप बस सीधी सीधी सिलाई लगा लें। अब मेरी जो है वो कमीज़ तकरीबन सारी रेडी है, बॉर्डर वगैरह हेम सब तैयार हो गई है। मैं स्लीव्स इसकी तैयार करूँगी और उसके बाद इसकी स्लीव को मैं ज्वाइन कर दूँगी। जो मेरी मेन स्लीव्स का हिस्सा था वो सबसे पहले जो है वो मैंने उसके ऊपर बेल रखी है और उसके ऊपर ऑरेंज कपड़ा जो है जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बीच में, इस तरह से मैं इन तीनों को एक साथ सी रही हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो आप पहले बेल लगाएँ और उसके बाद जो है वो जो दूसरा प्रिंटेड कपड़ा है वो इसको सी लें, इससे आपको आसानी होगी। लेकिन जो बहुत ज़्यादा सिलाई करते हैं तो उनको लगाने में कुछ मुश्किल नहीं होगी। अब आप ये देख लें, मैं आपको यही दिखा रही हूँ कि बहुत अच्छी लग रही है। इस तरह से सफाई के साथ एक ही सिलाई में ये मैंने सी लिए हैं तीनों चीज़ें। अब दूसरी तरफ भी मैं इसी तरह से सी लूँगी और उसके बाद मैं इसके ऊपर बॉर्डर लगाऊँगी। बॉर्डर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह लगा रही हूँ। सबसे पहले मैं एक और टॉप स्टिच इसके ऊपर लगा रही हूँ ताकि जो मेरी आस्तीन है उसकी जो भी डिज़ाइनिंग है जो भी दूसरी तरफ जो कपड़ा है वो बैठ जाए। इसके बाद जितना भी कपड़ा जो है वो अनइवन है उसको कटिंग करके सीधा कर लें, आस्तीन की जो शेप है वो भी आप बना लें और बॉर्डर लगा लेंगे। इसके बाद ये 2 इंच चौड़ा बॉर्डर है मेरे पास, जितना कपड़ा हो आप उस हिसाब से लगा लें। अगर आप लंबी आस्तीन रखना चाहें तो भी लगा सकते हैं, लेकिन गर्मियों के हिसाब से मेरे ख़्याल से बहुत लंबी आस्तीनें भी जो है वो मुनासिब नहीं होती, बस हाफ सीस मेरे ख़्याल से सही रहेगी। जो स्पेशली छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों को तो फिर हम चाहते हैं कि वो थोड़े कवर्ड रहें, लेकिन छोटे बच्चों में आधी आस्तीन सही रहेगी। तो इस तरह से मैंने जो सीधा हिस्सा था बॉर्डर का वो सीधा उल्टा और उल्टा हिस्सा मिला हुआ है इस तरह से सी लिया है और उसके बाद अब मैं इसको दूसरी तरफ पलट लूँगी और बिल्कुल बारीक सा मैं देख रहे हैं आप फोल्ड कर रही हूँ। और इसके साथ साथ मैं जो लेस मैंने यूज़ की है वो भी इसमें इस्तेमाल करूँगी।
अगर आपको इस तरह से सीने में मुश्किल आ रही है तो आप पिंस लगा कर भी इसे सी सकते हैं। अब कमीज़ की मैं फ़िटिंग कर लूँगी और जो चौड़ाई है आप अपनी मर्ज़ी से रखने, मैं 3.5 इंचेस रख रही हूँ जो मेरी बेटी के हिसाब से बिल्कुल सही है। जो भी इजाफी कपड़ा है आप उसे कटिंग करके अलग कर लें और मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये तैयार आस्तीन जो होगी वो तकरीबन मेरी जो है वो 9 इंच है, 9.25 इंच है, ठीक है। इसके बाद जब मैं इसको कमीज़ के साथ सिलाई लगाऊँगी इसकी तो वो जो है तकरीबन 8 इंच रह जाएगी। आस्तीन के बीच में जो है वो हल्का सा कोई निशान लगा लें या कट लगा लें और उसके बाद बीच से सिलाई करना अगर आप स्टार्ट करेंगी तो आपकी आस्तीन जो है वो बहुत आराम से बैठ जाएगी। मेरी आस्तीन लगाने की कुछ मुख्तलिफ जो है वो तरीक़े हैं, ट्रिक्स हैं, जिनसे जो मैंने जैसे जैसे मैं सीती गई मुझे उस तरह से जो मुझे आसानी लगी उस इस तरह से मैं उनको अपनाती गई, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह किसी वीडियो में बहुत तफसील से बताऊँगी कि आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आस्तीन किस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत आसानी हो जाएगी आपको सिलाई में, मुझे बहुत आसानी हो गई थी। इस तरह से ये देखें मैंने आस्तीन सी ली है और मेरी जो कमीज़ है वो तकरीबन तैयार है, सिर्फ मुझे हुक एंड आई लगाने हैं पीछे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे ये आपको यहाँ पे मसला हो रहा हो कि ये उठ रही है तो आप इसको इस तरह से बिठा के हाथ से इसको सी लेंगी तो ये पता ही नहीं चलेगा। यहाँ डेकोरेटिव आप बटन लगा लें या बो लगा लें या कुछ भी लगा लें। मैंने मेरे पास सिल्क का जो है वो मैचिंग का तकरीबन मैचिंग का कपड़ा था तो उससे मैंने बो बना ली है और वो वहाँ पे लगा दी है, इस तरह पता भी नहीं चल रहा। और ये हमारी एक फ़ाइनल लुक है और पीछे मैं हुक एंड आई लगा लूँगी और ये देख लें आस्तीन कितनी खूबसूरत लग रही है। कपड़े पहनने के बाद बहुत प्यारा लग रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र खुदा का कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। और आप अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह फिर बात होगी, कुछ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।